उस पर्ची को पढ़कर मैं जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि अनुराग को वो बातें कैसे पता चल गई थी, वो बातें कैसे उसने उस पर्ची पर लिख दी थी। चित्रा एक लंबी आह भरने के बाद फिर युग से बोल पड़ती है। घर पर जाने के बाद मैं उसी पर्ची को लेकर बैठी रही, बार बार उस पर्ची में लिखी बातों को पढ़ती रही और रोते हुए ये सोचती रही कि आखिर अनुराग को वो बातें कैसे पता चल गई थी। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त अनुराग से फोन करके पूछ लूं कि आखिर उसे वो बातें कैसे पता चल गई थी। मैं जानती थी कि फोन पर यह सब पूछना ठीक नहीं था, उससे मिलकर ही मुझे बात करनी पड़ेगी, पर मैं डरती थी कि कहीं उससे मिलने के बाद मैं उससे ये ना कह दूं कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इसी डर से मैं चुप बैठी रही और ना ही उसे कोई फोन कॉल किया ना मैसेज। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, पूरे 3 दिन बीत गए थे, इन 3 दिनों में उस पर्ची की बातें मेरे मन से जा ही नहीं रही थी। उस पर्ची में सबसे नीचे जो 4 लाइनें लिखी हुई थी उसे पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। बार बार मुझे उन बातों का ख्याल आ रहा था जो अनुराग ने उस पर्ची में लिखी थी। मैं जब भी उस पर्ची को पढ़ती थी तो मेरे दिल में अनुराग के लिए जगह बढ़ते जाती थी, वो और गहराई के साथ मेरे दिल में बसते जाता था। मेरी नजरों में अनुराग एक अलग ही रूप में बस गया था, एक ऐसा रूप जिसने मुझे मजबूर कर दिया था मेरे फैसले को बदलने के लिए। मैंने कई बार इस बारे में सोचकर देखा कि मैं क्या करूं, अनुराग को अपनाऊं या नहीं अपनाऊं, उसे अपनाना सही होगा या नहीं। चित्रा भारी आवाज में कहती है, मैंने इसी बारे में बहुत गहराई से सोचा और मुझे याद आया कि जो भक्षानर था उसके हाथ पर पूरे 5 निशान बने हुए थे और अनुराग के हाथ पर तो बस 1 निशान बना हुआ था, और वो भी तब आया था जब उसकी माँ रेवती ने उसे नदी में बहाया था। इसका मतलब ये था कि अनुराग के अंदर भक्षानर के जरा से भी गुण नहीं थे, वो बस उसका वंशज था। वंशज होने के बाद भी अनुराग एक नेक और सच्चा इंसान था। और तो और भक्षानर की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो स्त्रियां थी, जिसे देखकर उसका मन तिलमिला उठता था, उसके अंदर की हवस जाग जाया करती थी। पर अनुराग तो स्त्रियों की तरफ देखता तक नहीं था, यहाँ तक कि जब कभी मैं उसका गलती से हाथ भी पकड़ लेती तो वो डर से कांपने लग जाया करता था, जैसे उसने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो। सिर्फ इस वजह से कि अनुराग भक्षानर का वंशज है, क्या मैं उसे बुरा समझने लग जाती थी तो मैं भी एक डायरी ना, पर यहाँ दिल्ली आकर एक नई जिंदगी जीना चाहती थी। मुझे लगा हो सकता है कि मेरी तरह अनुराग भी एक नई जिंदगी जीना चाहता हो, और उसे देखकर तो ऐसा लगता था जैसे उसे पता ही नहीं हो कि वो भक्षानर का वंशज है। पूरा 1 हफ्ता लगा मुझे कोई फैसला लेने में, और मैं इस फैसले पर निकली कि सिर्फ इस वजह से कि अनुराग भक्षानर का वंशज है, मैं अपने प्यार को नहीं खो सकती हूँ। दुनिया में हर किसी की किस्मत में प्यार नहीं लिखा होता, और मेरी किस्मत में प्यार लिखा था। मैंने सोच लिया था मैं उस प्यार को पाकर रहूंगी, अनुराग को अपना बनाकर रहूंगी, मैं उसे किसी भी कीमत पर खोने वाली नहीं थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, 1 हफ्ते तक ना अनुराग ने मुझे कोई कॉल मैसेज किया था ना मैंने उसे, फिर मैंने ही उसे रविंद्र भवन बुलाया मैसेज करके, जहाँ पर मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन लगी हुई थी। अनुराग ने अपने प्यार का इजहार एक कहानी के रूप में किया था, तो फिर भला मैं अपने प्यार का इजहार इतनी आसानी से कैसे कर सकती थी। इसलिए मैंने भी एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें अनुराग के सवाल का जवाब था। वही पेंटिंग रविंद्र भवन के पेंटिंग एग्जीबिशन में लगी हुई थी। जब मैंने अनुराग से कहा कि उसका जवाब उसी पेंटिंग में है, तो पहले तो अनुराग कुछ समझ ही नहीं पाया, पर जिस तरह से उसने मेरे दिल को पढ़ लिया था, उसी तरह मेरी पेंटिंग को भी कुछ ही देर में पढ़ लिया और मेरा हाथ पकड़कर उसी पार्क में ले गया जिस पार्क की पेंटिंग मैंने बनाई थी। वहीं पर मैंने अनुराग से अपने दिल की बात कह दी और अनुराग ने अपने दिल की बात। हम दोनों ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे और एक दूसरे को अपना चुके थे। चित्रा कुछ मायूसी के साथ कहती है, अनुराग से मैंने अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, पर वो मुझसे फिर भी नाराज था इस बात से कि अगर मेरी हाँ ही थी तो मैंने उसी वक्त उसको जवाब क्यों नहीं दिया था जिस वक्त उसने अपने प्यार का इजहार किया था। मैं उसे कैसे बताती कि पहले मैं उसे बुरा इंसान समझती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भक्षानर का वंशज है, पर बाद में मेरी समझ आया कि सिर्फ वंश बुरा होने से इंसान बुरा नहीं होता है, वंश के कर्मों से फैसला नहीं होता है कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा, बल्कि इंसान के खुद के कर्मों से फैसला होता है कि वो बुरा है या अच्छा। और वैसे भी मेरा फैसला तो उस पर्ची को पढ़ने के बाद बदला था। आंसू की बूंद में फिर से हलचल होने लग जाती है और युग को फिर से चित्रा का चेहरा धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब आंसू की बूंद की हलचल कुछ कम होती है और युग को चीजें स्पष्ट नजर आने लग जाती है, तो वो देखता है कि चित्रा और अनुराग एक पार्क में बैठे हुए थे घास के ऊपर, वही पार्क जिसे चित्रा ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। अनुराग और चित्रा दोनों ने ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों की दोस्ती का रिश्ता प्यार में तब्दील हो चुका था, पर अनुराग अभी भी चित्रा से खफा था इस बात से कि चित्रा ने उस दिन उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया था जिस दिन उसने चित्रा से अपने प्यार का इजहार किया था।
अनुराग फिर अपना सवाल चित्रा से पूछते हुए कहता है, तो फिर क्यों चित्रा जी, क्यों आपने उस दिन मेरे सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया। चित्रा अनुराग से झूठ बोलते हुए कहती है, उस दिन कैसे आपके सवाल का जवाब दे देती अनुराग जी, उस दिन तक तो मुझे खुद पता नहीं था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं तो आपको बस अपना दोस्त ही समझती थी, उस नजर से मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। पर जब आपने उस दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, वो पर्ची मुझे दी, तब जाकर उस रात मुझे समझ आया कि वो रिश्ता जो हमारे बीच दोस्ती का था, वो सिर्फ दोस्ती का नहीं था बल्कि प्यार का था। आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं, मेरे दर्द को अपना सकते हैं, मुझे बेगानी को अपना बना सकते हैं। जिस तरह मेरे बिना आपकी कहानियां अधूरी है, उसी तरह मेरी पेंटिंग भी बेरंग है आपके बिना अनुराग जी। इतना कहकर चित्रा रोने लग जाती है। अनुराग भी खामोश रहता है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। चित्रा की नम आंखें देखकर उसकी आंखें भी नम होने लग गई थी। कैसे ना होती, जब आप किसी अपने को रोते हुए देखते हैं तो आपकी आंखों से भी आंसू खुद ब खुद बहने लग जाते हैं, आप उसके दर्द को समझने लग जाते हैं। चित्रा रोते हुए ही कहती है, वो पर्ची जो आपने मेरे हाथ में थमाई थी, शायद अगर मैं वो पढ़ती नहीं तो उस प्यार का एहसास मुझे कभी होता ही नहीं। आपको कैसे पता अनुराग जी की। चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, कैसे पता नहीं होता चित्रा जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और जिनसे हम प्यार करते हैं ना, हमें उनके दिल की सारी बातें पता होती हैं। वो हमारे दिल की धड़कन बन जाती है और आप मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हैं चित्रा जी। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, सिर्फ आपके लिए चित्रा जी। चित्रा अनुराग पर दबाव बनाते हुए कहती है, नहीं अनुराग जी, बताइए ना आपको वो बातें कैसे पता चली कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं हर वक्त उन्हें याद करती रहती हूँ, उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती हूँ, ये बात तो मैंने आपको कभी बताई ही नहीं थी। और तो और पर्ची में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, वो बातें कैसे पता चली आपको। अनुराग चित्रा की आंखों में एकटक देखते हुए उससे पूछ पड़ता है, आप सच में जानना चाहती है चित्रा जी कि मुझे वो बातें कैसे पता चली। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ अनुराग जी मैं जानना चाहती हूँ। अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं आपके रूम गया था चित्रा जी, वहीं पर मुझे सब पता चला था। चित्रा हैरानी के साथ अनुराग से कहती है, आप मेरे रूम गए थे पर कब। अनुराग पलट कर जवाब देता है, लाइब्रेरी में आपसे मिलने के एक दिन पहले। मैं आपसे मिलने के लिए सीधे आपके रूम ही गया था, पर आप वहाँ पर नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी। मैं भी दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मुझे कमरे में कई सारी पेंटिंग नजर आई, इतनी सारी पेंटिंग कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और खिड़की से ही अंदर चला गया। जब आपके कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कि। इतना कहते ही अनुराग अतीत की यादों में चले जाता है। उसे वो पल याद आने लग जाता है जब वो चित्रा के कमरे के अंदर गया था। अनुराग चित्रा के कमरे के अंदर मौजूद था और अपनी नजरें चित्रा के कमरे के चारों तरफ फेरते जा रहा था। कमरे के चारों तरफ ढेर सारी पेंटिंग्स टंगी हुई थी जिन्हें चित्रा ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अनुराग उन पेंटिंग्स को एक एक करके देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी पेंटिंग पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी निगाहें वहीं पर रुक जाती हैं। उस पेंटिंग के अंदर एक बच्ची थी जो कि हॉस्पिटल के अंदर बेड पर लेटी हुई थी। उस लड़की की तबीयत काफी खराब लग रही थी, जैसे कि वो मरने की हालत में हो। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था। उस बच्ची के बेड के अगल बगल ही दो बेड पर एक औरत और एक आदमी लेटे हुए थे। उन दोनों के हाथ में सीरिंज लगी हुई थी जो सीधे उस बच्ची के दाएं और बाएं हाथ से जुड़ी हुई थी। उस सीरिंज की नली से उस आदमी और औरत का खून उस बच्ची के शरीर के अंदर जा रहा था। उस औरत की आंखें हूबहू उस बच्ची की आंखों से मिलती थी, जैसे वो औरत उस बच्ची की माँ हो और वो आदमी उस बच्ची का बाप। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आदमी और औरत अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपना खून उसे दे रहे हो। उस पेंटिंग के बगल में ही एक और पेंटिंग थी जिसमें वही आदमी और औरत उस बच्ची को एक साए से बचा रहे थे। उस औरत ने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था और वो आदमी एक साए से लड़ रहा था जैसे वो मौत का साया हो। ऐसी कई सारी पेंटिंग उस कमरे के अंदर बनी हुई थी जिसमें एक माँ बाप अपनी बच्ची को बचा रहे थे, कभी अपनी ऑक्सीजन उसे देकर तो कभी खुद मरकर। हर पेंटिंग में उस बच्ची के माता पिता अपनी बेटी के लिए कुर्बानी देते हुए नजर आ रहे थे। कुछ पेंटिंग्स में वो अकेले बैठी हुई थी और अपने माता पिता को याद करते हुए नजर आ रही थी। एक पेंटिंग में उस बच्ची ने मुस्कुराने वाला नकाब लगाया हुआ था और उस नकाब के पीछे वो खुद रो रही थी, जैसे वो दुनिया को अपना हंसता हुआ चेहरा तो दिखा रही हो पर अंदर से बहुत दुखी हो। अनुराग जैसे जैसे कमरे में लगी सारी पेंटिंग्स को बड़े गौर से देखते जा रहा था, उसकी आंखें नम होते जा रही थी। उस कमरे में ही एक चित्रा की पेंटिंग भी बनी हुई थी जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। वो एक पोर्ट्रेट पेंटिंग थी। अनुराग चित्रा की उस पेंटिंग को देखते हुए खुद से रोते हुए कहता है, चित्रा जी इतना सारा दर्द आपने मुझसे छुपाए रखा, वो लड़की जो हमेशा हंसते खेलती रहती है, इतना सारा दर्द अपनी मुस्कान के पीछे छुपाए हुए थी। सच कहते हैं लोग,
जो सबके सामने सबसे ज्यादा हंसते हैं वो लोग अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं, और आप भी उन्हीं लोगों में से एक है चित्रा जी। अगले ही पल अनुराग खिड़की से ही कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। कमरे में लगी पेंटिंग्स को देखकर अनुराग के अंदर एक सैलाब भर गया था जिसे वो कागज पर उकेर देना चाहता था। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है पेन कॉपी उठाता है और उस पर कुछ लिखने लग जाता है। अनुराग कागज पर कुछ लिखते हुए खुद से कहता है, प्यारी चित्रा जी, ये खत नहीं प्रेम पत्र है जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। माफ कीजिएगा, आपके लिए नहीं, मेरी चित्रा जी के लिए। वो चित्रा जी जो बचपन से ही कई दुख दर्द अकेले सहती हुई आ रही है, पर अब मैं उन्हें वो दुख दर्द अकेले नहीं सहने दूंगा, उनके सारे दुख दर्द को खुद अपना लूंगा। मुझे पता है आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हैं, हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती रहती हैं। कभी बालकनी में बैठते हुए तो कभी आसमान को ताकते हुए आपको हर पल वो याद आते हैं। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है जो शायद मैं कभी ना कर पाऊँ, पर जो दर्द आपने सहा है वही मैंने भी सहा है। आपकी तरह मैं भी इस दुनिया में अकेला ही हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, पर जब से आप मुझे मिली है मुझे जीने की एक उम्मीद मिल गई है। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, सिर्फ खुश ही नहीं, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। अब मैं इस दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता, आपको अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। आपने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए हैं और अब मैं आपकी दुनिया को खुशी के किस्सों से भरना चाहता हूँ। अब तक मैं अधूरा था, अब आपको पाकर पूरा होना चाहता हूँ। अतीत में हुए किस्सों को भुलाकर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। अनुराग खत के आखिर में चार लाइनें लिखते हुए उन्हें खुद पढ़ते हुए खुद से कहता है, जो तुमने मेरी आंखों में देखा है वही मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, जितना तुमने मेरे बारे में जाना है उससे ज्यादा मैंने तुम्हें पहचाना है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी की न्यू एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।